हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोनफिक्स हैदराबाद। आप देख रहे हैं फोनफिक्स हैदराबाद, जो है अभी अपने पास एक मोबाइल है, वन प्लस 5T का है। इसके अंदर जो इशू है, जो टच नॉट वर्किंग का इशू है, तो इसके अंदर चेक करेंगे क्या चीज़ का इशू है। पहले तो फ़ोन ऑन होने देंगे, तो यहाँ तो अपना फ़ोन ऑन हो रहा है, तो यहाँ चेक करेंगे फ़ोन पूरा ऑन हो गया, मगर यह टच तो वर्क नहीं कर रहा है। तो टच के लिए क्या क्या सप्लाईज होते हैं, क्या क्या लाइन चेक करना है, कभी भी आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आया तो कैसा इस चीज़ को चेक करके, स्टेप बाय स्टेप चेक करके कैसा सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ इसके अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा से देख लेना, स्किप मत करना। तो स्टार्ट करेंगे अभी, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो पहले जो है यहाँ वन प्लस 5T का मॉडल है, तो यहाँ लेआउट के अंदर देखेंगे, तो लेआउट के अंदर जो है CN4000 का जो है अपना जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसको स्क्रीमेटिक के अंदर यहाँ जाके अपन ओपन करेंगे, यहाँ इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसा इसको नेक्स्ट कर दिया तो कनेक्टर अपने सामने आ गया। तो ये सारा चीज़ जो है, ये MIPA के लाइन है जो CPU से कनेक्टेड है, और यहाँ जो आ रहा है लास्ट वाला कनेक्टेड VLVSS जो है, ये ग्राफिक के लिए कनेक्शन है। और ऊपर साइड देखेंगे यहाँ जो है अपने को 3.0 का एक वोल्टेज, 3.3 का एक वोल्टेज बना रहा है, और VREG 3.0, और यहाँ भी एक 1.8 की सप्लाई बना रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे अपन 40 नंबर 39 पिन पे से आगे जाएंगे, दो NC दिया हुआ है 38 और 37। उसके बाद देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप अपना जो है जो टच का लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया अपने को। यहाँ एक अंदर 1K का रजिस्टर और एक पुल अप लगा दिया है, या 47K का रजिस्टर लगा के पावर से जो है 1.8 वोल्ट इंजेक्ट कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ ये लाइन हो गया। उसके बाद TS रिसेट N जो लाइन आ रहा है, इधर भी एक 0 ohms का रजिस्टर कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ 4008 जो है एक 0 ohms का, सारा 0 ohms का रजिस्टर कनेक्ट हो गया अपने को। यहाँ सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन है, यहाँ 4 लाइन जो है अपने को कनेक्टेड है। ये सारा लाइन जो है पहले चेक कर लेंगे, इसके अंदर सभी लाइन के अंदर GR ले लेंगे, ये 3.0 का वोल्टेज का भी ले लेंगे अपन, ये सभी चीज़ ले लेंगे। तो कनेक्टर पहले यहाँ डिस्प्ले का कनेक्शन यहाँ से निकाल देंगे, और बैटरी का कनेक्शन भी हटा देंगे, और थोड़ा मैं मदरबोर्ड को बाहर ले लेता हूँ, अच्छा से दिखता है आप लोगों को। तो ये कनेक्टर के पास के जो है सारा लाइन को अपन चेक करेंगे। तो यहाँ जो लाइन दिख रहा है अपने को, यहाँ से लेके ये ऊपर वाला लाइन से लेके यहाँ से लेके स्टार्ट हो गया अपना कनेक्शन। पहले के ये दो लाइन पे चेक करेंगे, यहाँ 690 का रीडिंग आ रहा है, उसके बगल वाला भी चेक करेंगे, यहाँ 680 का कुछ रीडिंग आ रहा है, और इसके बगल वाला NC होगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ भी NC होगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद का जो लाइन है अपना रिसेट का लाइन होगा, इसके अंदर देखो अपने को 580 का रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट वाला कनेक्शन देखेंगे, इसके अंदर जो है जो रिसेट वाला लाइन जो है, ये जो है INT लाइन और ये रिसेट का होगा, यहाँ देखेंगे 1500 का कुछ रीडिंग बता रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखेंगे 524 का कुछ रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में अपन देखेंगे, तो ये जो लाइन है अपने को यहाँ OL शो कर रहा है, मतलब इसके अंदर कनेक्टिविटी मिस हो गया। और इस लाइन के अपोजिट में ही यहाँ एक ट्रैक यहाँ तो दिख रहा है, तो हल्का सा मैं यहाँ सामने स्क्रैच करके देखता हूँ, या सामने से कटा हुआ है क्या। तो एक बार मैं यहाँ मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ, तो यहाँ भी कोई टाइप ऑफ रीडिंग नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कनेक्टिविटी अपने को ओके है। तो ये वाला लाइन जो है, इस लाइन के अंदर क्या चीज़ कनेक्टेड है, तो देखेंगे अपना जो लाइन है। तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं, ज़रा जूम डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ का लाइन जो है अपना 1, इसका जो लाइन है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर वाला लाइन पे जो है अपने को कोई भी टाइप ऑफ GR शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 33 नंबर वाला कनेक्शन है। तो
33 नंबर वाला कनेक्शन क्या चीज़ का कनेक्टेड है, तो यहाँ देखेंगे R4008 1 0 ओम्स का रजिस्टर कनेक्ट करके ये जो है TS अपना I2C सीरियल का लाइन है, और इसी लाइन के ऊपर जो है आप नीचे देख सकते हैं एक कुछ डायोड लगा हुआ है मगर NC दिया हुआ, नॉट कनेक्टेड पॉइंट है। मतलब यहाँ ये वाला जो रजिस्टर है R4008 ये वाला रजिस्टर किधर है देखेंगे अपन, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं सर्च के अंदर लगाया तो ये वाला कनेक्शन जो आ रहा है ये वाला रजिस्टर के पास, तो ये वाला जो है इसका टीन के अंदर है, इसका टीन के अंदर जो है इस टीन को पहले अपन ओपन कर लेंगे और चेक कर लेंगे इसका जो है कनेक्टिविटी, यहाँ से लेके कनेक्टर का कनेक्टिविटी यहाँ तक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इस टीन को हल्का सा काट लेता हूँ, देख सकते हैं जो अपना R4008 का रजिस्टर जो है अपना यहाँ जो है डायोड के ऊपर वाला साइड, ये डायोड जो है अपना यहाँ तो मदरबोर्ड के अंदर NC शो कर रहा है, उसके ऊपर का जो रजिस्टर है इस वाला रजिस्टर पे चेक करेंगे अपन, यहाँ कुछ GR मिल रहा है क्या आपने को, अगर इधर GR मिल गया मतलब जो है अपना लाइन यहाँ से लेके इंटरनली कटा हुआ है, अगर यहाँ भी अपने को GR नहीं मिल रहा है तो आगे जाके देखना है ये CPU से कनेक्टेड जहाँ है, तो पहले यहाँ चेक कर लेंगे, इस तरफ में चेक कर लेंगे, यहाँ कोई टाइप ऑफ GR अपने को शो नहीं कर रहा है, इसका बैक तरफ भी देखेंगे इधर भी कोई GR अपने को शो नहीं कर रहा, और यहाँ से लेके कनेक्टिविटी यहाँ तक का कनेक्टिविटी चेक करेंगे, यहाँ कनेक्टिविटी अपने को ये वाला पिन के पास कनेक्टिविटी अपने को ओके, मतलब जो है ये लाइन ओके, इसको आने वाला लाइन जो है अपना ये लाइन को फिर से अपन नेक्स्ट करके चेक करेंगे, तो ये CPU से कनेक्टेड होगा अपने को, तो यहाँ देखेंगे अपन इसका यहाँ CPU से जो है कनेक्टेड होगा, इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, तो इसको थोड़ा मैं जूम डाउन कर देता हूँ, तो इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, तो ये वाला लाइन जो है अपने को सीधा कनेक्टेड है अपना CPU से, इसको ज़रा मैं जूम करके बताता हूँ, GPIO कनेक्शन 88 पिन के अंदर कनेक्टेड है, U3301 याद डालेंगे 3301 देख सकते हैं आप जो अपना CPU जो है, तो इस चीज़ के लिए सिर्फ इतना ही लाइन के लिए जो है अपने को CPU खोलना पड़ता, तो ये एक आम मदरबोर्ड है, एक वर्किंग मदरबोर्ड है, तो इस टाइप का काम करना है तो अपना हैंड स्किल जो है प्रॉपर रहना, अगर अपना हैंड स्किल अगर प्रॉपर नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, इस फोन को जो है डेड कर देंगे आप। ठीक है, तो अगर ऐसा काम आपके पास आ गया तो फिर हैंड स्किल तो मस्ट एंड शुड है, तो जो लाइन चेकिंग के साथ जो है हैंड स्किल के अंदर भी फोन फिक्स ऐसा ट्रेनिंग देता है आपको, आपका हैंड स्किल कोई भी आम फोन के अंदर वर्क करने के लिए आपको इतना भी डर नहीं रहता, तो इस टाइप का हैंड स्किल और इस टाइप का आपको प्रॉपर वर्क, प्रॉपर ट्रेसिंग, लाइन ट्रेसिंग ये सारा सीखना है तो आप लोग आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। तो अभी जो है मैं CPU इसका लिफ्ट कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस चेक करेंगे CPU लिफ्ट करके, तो CPU से लाइन जो है यहाँ तक आने वाला लाइन भी अपन चेक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो है सारा, पहले मैं सारा साइड का ग्लू काट लेता हूँ और साथ ही साथ इसका जो है शील भी साइड का काट लेता हूँ, और जिस तरफ से मेरे को प्रॉपर गैप मिलता है उधर तरफ से CPU अपन लिफ्ट करेंगे, तो पहले मैं इसको टिन को जो है हल्का सा काट लेता हूँ।
Thank you.
में अपन एक जम्पर ले लिए जो रजिस्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है, तो यहाँ तक की लेके यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है, इसका जो एक छोटा सा मैं यहाँ एक छोटा सा मैं एक जम्पर ले लिया, ताकि जो है यहाँ से तो यह कनेक्टेड है, यहाँ से तो यह कनेक्टेड है। और ये वाला चीज़ जो है, ये यहाँ से लेके ये जो है जम्पर छोटा ले लिए, जो सीपीयू तक का ट्रैक ओके है या नहीं है चेक कर लेंगे, ताकि अगर सीपीयू तक का ट्रैक ओके नहीं है तो हम सीपीयू से जम्पर लेना पड़ता। तो पहले तो सीपीयू बिठाने से पहले ये सारा चीज़ अपन कंप्लीट करेंगे, ताकि चेक कर लेंगे इसका जो है। तो यहाँ देखेंगे जो अपना जो रजिस्टर है, जो एक 0 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ से लेके कनेक्टर के अंदर से लेके इसको जरा मैं जूम डाउन कर देता हूँ, ताकि कनेक्टर साइड जाएंगे पहले अपन। यहाँ से लेके जो है इसको थोड़ा, तो इसमें से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 नंबर वाला पिन है। यह जो एक रजिस्टर के पास आया, तो ये वाला रजिस्टर से लेके बैक वाला पॉइंट देखेंगे, तो इसको मैं यहाँ लाइन ऑन कर देता हूँ। तो ये सीधा जो है अपना सीपीयू के अंदर से, तो इसको मैं सीपीयू के तरफ ले लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे सीपीयू तरफ नीचे के तरफ की डॉट के अंदर जो कनेक्टिविटी आ रहा, तो ये वाला लाइन में, तो यहाँ से लेके अपने को 1 2 3 4th लाइन में 1 2 3 4 5, तो ये वाला लाइन देखेंगे 4th लाइन में 5th वाला, तो इसी लाइन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर ये वाला कनेक्टिविटी देखेंगे अपन यहाँ का। तो यहाँ देखेंगे तो अपने यहाँ तक जो है अपने को कोई भी टाइप ऑफ 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, फोर्थ में जो है 1 2 3 4 पिन लाइन है। इस लाइन को तो हम यहाँ बिट मैप के थ्रू से चेक करें, तो ये वाला लाइन जो है ये रजिस्टर से लेके 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर के साथ देखेंगे, एक एक रजिस्टर लगा हुआ है एक डायोड के साथ। और यहाँ से लेके जो लाइन जा रहा है अपना सीपीयू तक जा रहा है, तो पहले जब अपन चेक कर रहे थे जब तो अपने को लाइन तो ओपन था, यहाँ जो है ये बिट मैप के अंदर जो है यहाँ एक डॉट के पास शो कर रहा है ये नीचे से लेके। तो यहाँ देखेंगे नीचे का 1 2 3 4 5 6, 5 6 के बीच में सेकंड वाला लाइन है, तो अपन यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ तो मैं जम्पर लगा हुआ है मेरा, एक जम्पर रजिस्टर से मैं बैक साइड से जो है जहाँ रजिस्टर है वहाँ से मैं कनेक्शन ले लिया, और चेक कर रहा हूँ इसका जो है अगर ये लाइन ठीक है तो मैं सीपीयू डायरेक्टली डाल सकता हूँ। तो पहले देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में, ये है 5 और 6 और इसका सेकंड वाला पॉइंट। तो यहाँ तो बता रहा है ये वाला पॉइंट के अंदर है बोल के, तो मगर यहाँ जो देखेंगे ये ट्रैक जो है जो बिट मैप के अंदर यहाँ ये ट्रैक के अंदर शो कर रहा है, मगर ये ट्रैक ये जो डॉट के अंदर तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाला डॉट जो है एनसी डॉट है, नॉट वर्किंग डॉट है, ताकि जो है उसके अंदर हो सकता है बिट मैप में कुछ गलत भी देता है। तो देखेंगे अपन सारा पॉइंट को टच करके चेक करेंगे, किधर भी कुछ आ रहा है लाइन, तो एक एक लाइन को मैं थोड़ा बहुत टच करके देखता हूँ। तो यहाँ देखेंगे और तो यहाँ देखेंगे ये वाला पॉइंट से जो है अपने को, तो 1 2 3 4 5 और 6 और इसका जो है ये पॉइंट, तो इधर साइड से अपने को कनेक्ट हो रहा है। तो इधर साइड से लेके 1 2 3 4 5 6 और इसके बीच में जो है 2 पॉइंट पे यहाँ देने का लाइन जो है इस डॉट के बगल में, यहाँ देने का जो ब्लू डॉट पे यहाँ देने का लाइन जो है इधर साइड में दे दिया, ताकि बिट मैप जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम है, गलत है। तो ये बिट मैप के अंदर अगर आपको प्रॉपर ट्रेसिंग आता है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ एक डॉट मार के आप जम्पर मारेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला तो नहीं है।
तो अगर ये चीज़ अगर चेक करें, 2 और 4 और 6 और 2 8, तो ये वाला लाइन जो है इसको देख लो, फाइटी के मॉडल के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ कुछ गलत बताया हुआ है, ताकि जो है मिस्टेक हो गया इन लोगों से। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 5 और 6 के बीच में ये वाला डाट है, ये वर्किंग डाट है एक्चुअली, मगर यहाँ NC दिया हुआ है। तो देखेंगे इसको, CPU को फिक्स करके देखेंगे, ताकि अपना लाइन पे जो GR वैल्यू मिलता या नहीं मिलता। तो पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ इसको, मैं CPU पहले प्रॉपरली फिक्स करता हूँ, हल्का पेस्ट अप्लाई कर लिया मैं। अभी जो अपना CPU और RAM दोनों फिक्स हो गए, और जो लाइन अपना ओपन था, OL आ रहा था, उस लाइन को मैं और एक बार आप लोगों को बताता हूँ, ताकि इस लाइन में जो अपने को यहाँ चेक करेंगे, जो स्क्रैच करे हुए पॉइंट है ये वाला पॉइंट के अंदर, मतलब मैं इसको ये वाला पॉइंट के अंदर, ये वाला जो रेजिस्टेंस था इधर चेक करेंगे, यह जो है 500 का रीडिंग यहाँ आ गया अपने को, और करेक्टर के ऊपर भी यहाँ भी अपने को GR आ गया, मतलब ये लाइन जो है CPU रिवॉल्व होने के बाद जो है ओके हो गया। और हालांकि इसके अंदर बिट मैप पे भी पॉइंट गलत दिया था, फिर भी हम लोग लाइन ट्रेस करके इसको बनाए, तो देख सकते हैं आप लोग। अभी फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे, ये सर अभी फ़ोन को ऑन करेंगे तो ऐसा यहाँ लगा देंगे, फोन जो है अपना ऑन हो गया प्रॉपरली। देखेंगे अपना जो टच है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ मैं सारा नंबर जो है टच प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या था इसका? टच रिस्ट टच ऑपरेट नहीं होता था। ये सेट आप ही लेके आए थे? हाँ, ये आपका ही ना सेट ही है? हाँ बराबर। कहाँ से है आप? कोल्हापुर। कोल्हापुर से जैसा आप देख रहे हैं काम कर रहा वर्क प्रॉपरली कर रहा है, कर रहा है। इसमें CPU का इशू था, अभी पूरा वीडियो बना है हम लोग, ये पेज है ना, ये हमारा इशू का तो नहीं होता ना। नहीं नहीं, आज ही लिए आपसे, अभी दिन में लिए थे, अभी उसका काम कर दिए। ठीक है, पहले कहीं बताए थे ये रिपेयरिंग के? पहले एक दो जगह दिया था, रिपेयर नहीं हुआ है, पहले ऑलरेडी दूसरे दुकान में रिपेयर नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ, इधर आके रिपेयर हो गया। वन प्लस कौन सा है? 5T है ना? वन प्लस 3T, 5T है ये, 5T, हाँ, वन प्लस 5T का मोबाइल है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कोर्स कर रहे हैं ना अभी हमारे पास? तो हाँ, कर रहे अभी 27 दिसंबर के बैच में चाहे हुए हैं आप, एक सेट भी आपका बना, तो पैसे तो नहीं ले रहा ना अभी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक आपको जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए, क्या काम करना क्या नहीं, इसका पूरा सोल्यूशन है, हालांकि यूट्यूब पे डालेंगे इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फोन फिक्स हैदराबाद। अभी जो है हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, December 27 को न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको प्रॉपरली हैंड स्किल, प्रॉपरली आपको डायग्राम की नॉलेज, स्कीमेटिक की सारा चीज़ आपको सिखाते, और ईच एंड एवरी सेक्शन के बारे में फुल्ली डिटेल्स रहता, और प्रैक्टिकल क्लासेस रहते हैं आपको, थ्योरी क्लासेस रहते, सारा चीज़ के बारे में आप जो देख रहे हैं इसके अंदर जो है, अगर अपना हैंड स्किल अगर प्रॉपरली नहीं है तो ये सेट बना के नहीं दे सकते। हालांकि कस्टमर तो बहुत सारे दिन से घूम रहा था फ़ोन पकड़ के, ताकि जो है ये
प्रॉपर नॉलेज रहने से अगर कोई खोल दिया तो डेड हो जाता। तो ये चीज़ प्रॉपरली सीखना है तो आप आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद।